हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है, कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से, ठीक है। इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आगे जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर है, एम ए क्लास के बच्चों के लिए, एम ए सोशोलॉजी सेमेस्टर फर्स्ट। इसमें जो इसका कोड है SOCR 413, किताब है यहाँ पर विकास का समाज शास्त्र या सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, और चैप्टर जो है विकास के मार्ग पूंजीवाद समाजवाद एवं मिश्र अर्थव्यवस्था, यानी पथ ऑफ डेवलपमेंट कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट एंड मिक्स इकोनॉमिक्स। चैप्टर जो है 8th है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हमारा जो टॉपिक हम आज करने जा रहे हैं, जो कि अगला टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, मिश्र अर्थव्यवस्था। अब मिश्र अर्थव्यवस्था में क्या है? इससे पहले हमने दो जो है रूल रेगुलेशन को हमने जाना था, समझा था। अब हमारा अगला पॉइंट यहाँ पर जो आया है मिश्र अर्थव्यवस्था। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कई भी हो सकते हैं कि मिश्र अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसके लक्षण, इसकी विशेषता, इसके गुण अवगुण, कुछ भी हो सकता है। इवन कि ये भी हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर में इसकी कैसे सहायता की जा सकती है, पब्लिक सेक्टर की क्या विशेषता रहती है। तो क्वेश्चन यहाँ पर भरमार है, ठीक है। लेकिन आपको समझना है, अगर मिश्र अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्वेश्चन आता है तो आप इस वीडियो के अंतर्गत सारी बातों को जो है लिख सकते हो, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है एम ए सोशोलॉजी के बच्चों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मिश्रित अर्थव्यवस्था का, यानी मिश्रित का मतलब होता है कि एक के साथ कई जो है हम व्यापार करते हैं, कई अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ते हैं, तो उसको हम मिक्स इकोनॉमिक्स कहते हैं या मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो समझ गए होगे मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है। अगर हम अर्थों की बात करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है निरंकुश प्राइवेट अर्थव्यवस्था का केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था का एक बीच का रास्ता है। यानी देखा जाए तो केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था का एक ऐसा बीच का रास्ता है, और इस अर्थव्यवस्था को अपनाकर पहले वर्णित अर्थव्यवस्था गुणों द्वारा लाभ उठाया जा सकता है, परंतु इनके दोष से बचना नहीं जा सकता। देखिए दोस्तों, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम अर्थव्यवस्था का जो है गुणों का हम लाभ उठाते हैं तो कहते हैं इसके अब गुण से बचना संभव नहीं है। क्योंकि एक बात आपको समझ होना चाहिए, किसी के अगर गुण होते हैं तो किसी के अवगुण भी होते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, अगर सिक्के का दो पहलू होता है, अगर एक पॉजिटिव है तो कोई नेगेटिव ही है। यहाँ पर मिश्र अर्थव्यवस्था का जहाँ लाभ अधिक है तो यहाँ पर जो है हानि भी देखने को मिलता है, और इस पर हम विस्तार पूर्वक आगे चर्चा करेंगे। उपरोक्त क्रांति के आने के साथ विश्व की अर्थव्यवस्था के बीच भी क्रांति आ गई। देखा जाए बहुत से क्रांति आपने देखा होगा, चाहे वो हरित क्रांति हो, ग्रीन क्रांति, हरित क्रांति को हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम जानते हैं, या वाइट रेवोल्यूशन हो या ब्लू रेवोल्यूशन हो, बहुत से क्रांति हुई हमारे देश में। तो इवन की अर्थव्यवस्था क्रांति भी आई, और नए नए उद्योगों के लक्षणों के साथ इसके बीच काम करने वाले मजदूरों की संख्या में बढ़ोतरी होती चली गई। उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ इसकी खपत के लिए भी नई मंडियों की तलाश शुरू हुई। जर्नल सी बात है, कोई अर्थव्यवस्था अगर आगे बढ़ता है तो सबसे पहली बात उसको जो है मंडियों में पहुंचाना बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि मंडी में ही जाके जो है इसको खपत करवाया जा सकता है। नहीं तो अगर आप कोई चीज़ करते हो, अगर आप स्वयं ही यूज़ कर लेते हो तो इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। और इन दो को चलाने वाली भारी मात्रा में कच्चे माल की ज़रूरतें महसूस होती है। यूरोप के औद्योगिक देशों ने अपने उत्पादन की खपत के लिए कच्चा माल हासिल करने के लिए अपने देश से बाहर निकलकर जो है भूमिये खोज शुरू कर दी, तथा खोज के सिलसिले में वह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण एशिया अफ्रीका देशों में पहुंचे, और अपने आधुनिक हथियारों की मदद से साथ साथ अपने देश को अपना साम्राज्य कायम भी किया। आपको पता ही होगा इसी कारण भारत जो है 2.5 साल की गुलामी जो है पाया, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज उस समय आए थे तो उनका उद्देश्य था इस देश से व्यापार करना। लेकिन जब उनको यहाँ की कंडीशन भा गई तो यहाँ पर वो राजनीतिक चीज़ों में जो है पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिए और भारत को जो है गुलाम बना लिए, और भारत 250 साल की जो है गुलामी जो है मिल गई। तो कहते हैं यही बात होती है, ये लोग जो होते हैं अपने सामानों की खपत करने के लिए जो है उपनिवेश ढूंढते हैं, बाज़ार को ढूंढते हैं, और ये बाज़ारों में खपत करते हैं। अभी आपको पता ही होगा
कि भारतीय बाजार जो है सभी देशों का मनपसंद जगह है, क्योंकि यहाँ पर इतनी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं है। इवन कि चाइना का जो है आधा से अधिक सामान जो है भारत में ही खपत होती है। इवन कि अमेरिका का भी जो है खपत भारत का ही महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन भारत का सामान दूसरे देशों में नहीं जाती है, जिसके कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है तहस नहस हो रखी है। और जब ये किसी दूसरे देश में जाकर जो है व्यापार करने लग जाते हैं तो वो मनमर्जी करने लग जाते हैं और मनमर्जी भाव से जो है बेचने लगते हैं। और दूसरी बात ये उनकी होती है कि यहाँ की जिस देश में वो जाते हैं वहाँ की जो है कुटीर उद्योग को जो है नष्ट कर देती हैं। इसलिए गांधी जी का विचार था कि कुटीर उद्योग जो है भारत की मुख्य जो है उद्योग है, इसको नष्ट नहीं होना चाहिए। और अंग्रेज़ों ने इन्हीं बातों का अनुसरण किया, इन्होंने जो है कुटीर उद्योगों को जो है तहस नहस कर दिया। औद्योगिक देशों ने उद्योग की उन्नति के साथ आज़ाद व्यापार की नीति यानी लेजर ऑफ फेयर्स अपनाया। यद्यपि इस नीति के साथ औद्योगिक उन्नति हुई तथा देशों की जो है अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, पर इसके निष्कर्ष द्वारा शोषण का जो है भयानक दौर शुरू हुआ। इसमें गरीब मजदूर तथा एशिया तथा अफ्रीका के देश पिसते चले गए, और एशिया और अफ्रीका के देश जो है बहुत काफ़ी कमज़ोर थे, और इन दो देशों में जो है उन्होंने अपना जो है भरमार जो है मर्जियों का उपयोग किया। कहते हैं आज़ाद व्यापार की नीति के कारण सरकार आर्थिक मामलों में कोई दखल नहीं देता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। जिस कारण देखा जाए तो बड़े बड़े उद्योगपति तथा पूंजीपति जो है गरीब मजदूरों का भी भरकर शोषण कर रहे हैं। उनसे दिन रात काम कराकर इतनी मजदूरी नहीं दी जाती है कि वो दो समय की रोटी भी खा सके। ये भारत की सबसे बड़ी विडंबना है कि पूंजीपति जो है उद्योगपति जो है आम गरीब बंदों को जो है शोषण करते हैं, और वो दो वक्त की रोटी भी अपने बच्चों के लिए जुटा नहीं पाते हैं। अमीर और ज़्यादा अमीर और गरीब और ज़्यादा गरीब होता चला जा रहा है, और गरीबों की ये दर्दनाक हालत कहते हैं देखकर जो है मानवता ने हमदर्द, कई लेखकों तथा विद्वानों ने इस व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उठाई, और इनसे सबसे ऊंची तथा ज़ोरदार आवाज़ कार्ल मार्क्स की थी। कार्ल मार्क्स का जीवन जो था इन्हीं के इर्द गिर्द ही घूम रहा था, क्योंकि कार्ल मार्क्स ये चाहते थे कि हमारे समाज में जो भी व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चले। लेकिन कहते हैं इंसान की विचार कहते हैं सिमट सी जाती है, और वहाँ पर जो है दूसरों लोगों की मनमानी चलने लग जाती है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। लेखकों ने अपनी विचार जो है हर संभव कोशिश किया कि देश की राजनीति में बदलाव हो और ये लोग आम गरीबों को भी साथ लेके चले, लेकिन जनरल सी बात है आज के समय देखा जाए तो ये संभव है ही नहीं। कहते हैं उस समय उद्योगपति और पूंजीपति आम गरीबों के जो है शोषण करते थे, आज रूप बदल गया है। आज जो कर्ज देते हैं या कर्ज देने वाले संस्था हैं वो आम गरीबों को लूट रहे हैं कई रूल के अंतर्गत। कार्ल मार्क्स ने विचार पेश किया कि उत्पादक साधनों अर्थात उद्योग पर मजदूरों की अपनी मालकी होना चाहिए, यानी उद्योग पर जो है अपना मालकाना अधिकार होना चाहिए। मार्क्स राज्य तथा सरकार के पूंजीवाद का जो है संरक्षक था, यानी देखा जाए तो मार्क्स राज्य और सरकार के पूंजीवाद का संरक्षक कहा जा सकता है, यानी इंस्टीट्यूटिव ऑफ कम्युनिटीज ऑफ कैपिटलिज्म समझा था। और इसलिए उसका विचार था कि जरूरत पड़ने पर इन क्रांतियों में हिंसा का भी सहारा लिया जा सकता है। और जर्नल सी बात है, ये बात कार्ल मार्क्स ने साफ शब्दों में कहा कि जब ज़रूरतें पड़ती है तो ये लोग जो है हिंसात्मक जो है रूल का भी सहारा लेते हैं, और आज देखा जाए तो भारतीय राजनीति में ये बहुत ही आम बात हो गई है कि आज सांप्रदायिक दंगा फसाद हिंसा होना, वो भी इलेक्शन के आसपास जो है लोगों को वोटिंग के तरफ आकर्षित करने के लिए जो है बहुत ही तेज और तीव्र गति से होती है। कार्ल मार्क्स विचारधारा ने के नतीजा द्वारा रूस की क्रांति हुई, क्योंकि देखिए कार्ल मार्क्स ही था, उसके विचारधाराओं के कारण ही जो है रूस में लोगों के अंदर अपने देश के प्रति जो है भावना जगी। और उसके बाद वह समयवाद स्थापित किया गया जिसमें सारे उद्योग पर सरकार का कब्जा था। रूस के बाद पूर्वी यूरोप के कई और देश ने भी समयवाद अपना लिया, और चीन में समयवादी क्रांति भी आई, और इन देशों में सारे उद्योग सरकार के कंट्रोल के अधीन थे। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, कहते हैं चीन में भी समयवादी क्रांति हुई और यहाँ पर सारे उद्योग जो थे सरकार के कंट्रोल के अधीन थे, और यह अर्थव्यवस्था का एक सिद्धांत है, और यह सिद्धांत है
फ्रॉम ऑल द अकॉर्डिंग टू देयर इज द कैपेसिटी टू द ऑल द अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। अर्थात इसका मतलब यही होता है दोस्तों कि प्रत्येक व्यक्तियों से उसकी सामर्थ्य के मुताबिक काम लिया जाता है और उसके वेतन दिया जाता है, जितने कि उसके एक खास स्तर पर आरामदायक जीवन व्यतीत करने की जरूरत होती है। जनरल सी बात है, अगर आप काम करते हो, मजदूरी करते हो, तो उद्योगपति और पूंजीपति को इतना जरूर विचार होना चाहिए कि वो व्यक्ति जो है अपना जीवन को और अपने बाल बच्चों को सुचारू रूप से जो है चला सके, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और इस तरह सरकार अर्थव्यवस्था व्यक्तियों को उन उसके द्वारा उत्पादन में किए गए योगदान के अनुसार मेहनतानी नहीं मिलता है। और ये बहुत बड़ी बात जो है कार्ल मार्क्स ने कही थी कि जो व्यक्ति कार्य करता है उसके हिसाब से मेहनता उसको नहीं मिलती, यानी उसके काम का जो है सही फल नहीं दिया जाता है, जो कि बहुत बड़ी विडंबना है। और इस अर्थव्यवस्था का ये लाभ तो जरूरी है, हो गया है कि शोषण बंद हो गया है, परंतु नुकसान यह हुआ है कि लोगों का काम का उत्साह कम हो गया है। व्यक्तियों की प्रकृति की वह कोई भी काम उत्साह के साथ अब तक ही करता है अगर उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तिगत लाभ की उम्मीद हो। जनरल सी बात है, कोई व्यक्ति तभी कार्य करता है जब उससे जो है लाभ मिले। जैसे आप समझ सकते हो कि तिरपान स्टडी सेंटर आपके लिए हमेशा आपकी भलाई के लिए कार्य करता है। अगर मान लीजिए आप तिरपान सेंटर को बढ़ाने में अगर हेल्प नहीं करते हो, तो जनरल सी बात है आपके आने वाला समय में वीडियो नहीं मिल सकता है, क्योंकि जब आप जो है तिरपान सेंटर को उत्साहित नहीं करोगे तो कैसे आएगा वीडियो, कैसे आप आगे इससे लाभान्वित हो पाओगे। जनरल सी बात है कि जितना हो सके वीडियो देखें, समझें, सोचें। नहीं समझ में आ रहा है मत देखिए, बात सच्चाई है। अगर समझ में आ जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना जरूरी होता है, क्योंकि इससे ये होता है कि आपको फ़ायदा रहता है कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहता है। तो वही बात यहाँ भी बताई गई है कि व्यक्तियों की प्राकृतिक यह है कि कोई भी काम उत्साह के साथ तभी करता है अगर उसको साथ ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तिगत लाभ की उम्मीद हो। अगर लाभ नहीं मिलता है तो व्यक्ति जो है अतो उत्साहित हो जाता है और वो कार्य करना बंद कर देता है। और मालिकों के साथ भी ऐसा ही किया जाता है, जो उद्योगपति होते हैं और पूंजीपति। देखिए, अगर आप जर्नल सी बात है, अगर उद्योगपति जो है पूंजीपति अगर मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छे उनके मेहनता देते हैं, तो जर्नल सी बात है वो उनके लिए जो है रात दिन मेहनत करके उनको जो है कंपनी को चार चांद लगा देती है। लेकिन जब उनको उस काम का मेहनत नहीं मिलता है तो वो भी जो है कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं और वो मन से काम नहीं करते जितना करना चाहिए। जर्नल सी बात है कि उद्योगपति और पूंजीपति को इस बात सोचना चाहिए कि जितना हो सके व्यक्तियों को जो है लाभ पहुंचाने की कोशिश करें। जैसे आपका भी सोच होना चाहिए कि जितना हो सके एमए वाले बच्चों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। तो दोनों बात काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई उम्मीद नहीं होने से वो उत्साह के साथ काम नहीं करती हैं और इस प्रकार सरकारी अर्थव्यवस्था उत्पादन का उतना अधिक नहीं होता है जितना कि आज़ाद अर्थव्यवस्था में होता है। ये बात सही है। आपको पता है सरकारी अर्थव्यवस्था में ये होता है कि लोगों को तो पता है कि काम वो करे चाहे ना करे, उनको जो है तनख्वाह तो उनको मिलता ही रहता है। लेकिन देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टरों में ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टरों में पता होता है कि व्यक्ति जितना समय काम करता है उतना उसको पैसा मिलता है। तभी तो आपको मैंने कई बार बताया है कि बड़े लोग जो होते हैं बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और सरकारी नौकरी दिलवाती हैं, क्योंकि उनको सबको पता है कि सरकारी नौकरी का मतलब होता है ऐशो आराम, और इसलिए सरकारी नौकरी को सभी लोग प्रायोरिटी देती हैं। लेकिन शिक्षा के लिए जो है प्राइवेट स्कूलों को जो है प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि उनका विचार है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई तो होती नहीं है, वहाँ पर तो सिर्फ टाइम पास होती है। इसलिए जितने भी बड़े घर के व्यक्ति होते हैं, अमीर लोग होते हैं, बड़े बड़े मंत्री संतरी होते हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही दाखिला करवाते हैं, और ये बहुत बड़ी विडंबना है। और यही मंत्री लोग जो होते हैं बाद में जो है सरकारी स्कूल के जो है वकालत कर रहे होते हैं कि यहाँ के बच्चे इतने इंटेलिजेंट है, इतने परसेंटेज हमारी हाई गई है, इतने परसेंट बच्चों ने असूला है। ये बड़ी अजीब गरीब बात है। मैं एक ही बात कहता हूँ कि शिक्षा का मतलब है कि विचारों को समझना, सोचना, विचार करना। मैं आपको एक बात की जो है उम्मीद दिला सकता हूँ कि अगर आप कोई भी सरकारी स्कूल में चले जाइए, वहाँ पर दसवीं क्लास से कुछ बच्चों से जो है रैंडमली पूछिए, समझिए, कोई क्वेश्चन पूछिए, आपका जो है 100% एक ही रिजल्ट आएगा कि वो बच्चा जो है उस आंसर देने में सक्षम नहीं होगा। फिर भी ये बच्चे सब जो है पास हो जाते हैं। अब सोचिए, विचार कीजिए कि सरकारी स्कूल का शिक्षा स्तर कितनी क्या है और क्या कंडीशन है, लेकिन फिर भी सरकार सरकारी स्कूल के जो है बातें करती हैं। अगर हमारे देश में अच्छा मैन्युफैक्चर होता, अच्छे लोग पढ़े लिखे होते,
तो आए दिन रोड नहीं बन रहा होता, आए दिन जो है बड़े बड़े पुल नहीं धराशाही हो रहा होता, आए दिन जो है व्यवस्था बिगड़ नहीं रही होती। तो जर्नल सी बात है, आप एक ही बात याद रखना कि कोई बच्चा चाहे इंटेलिजेंट हो या समझदार नहीं भी हो, कहते हैं अगर पैसा हो तो बड़े बड़े स्कूल में बड़े बड़े स्ट्रीम में नाम लिखवा सकता है। ये प्रावधान है आज के समय में। सरकार की नीति देखिए कि जो बच्चा मेडिकल लेना चाहता है मन से दिल से और उसका मैथ में नंबर कम है, 50 उन्होंने निर्धारित किया है, 49 आ गया है, तो उनको मेडिकल नहीं दिया गया क्योंकि आपने वो जो है लॉजिक नंबर है ना 50, उसको आपने पास ही नहीं किया। वाह, ये क्या सिस्टम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिनको कहते हैं नकल करके ढकल लगा के जैसे मर्जी उन्होंने 50 से अबव ले लिया है, उनको फटाक से एडमिशन दे दिया गया। बेशक उनको साइंस में इंटरेस्ट था नहीं, उनको साइंस में 35-30 थे, फिर भी उनको एडमिशन दे दिया गया। अब देखिए प्रशासन की क्या यहाँ पर जो है महान विचारधारा है, ये सोच के ना आपका भी दिमाग चकरा जाएगा कि जिन बच्चों को जिस स्ट्रीम में इंटरेस्ट है उसको वही स्ट्रीम देने की आवश्यकता होनी चाहिए। कहते हैं 10वीं क्लास को तो इन लोगों ने ऐसे बना लिया जिसका कोई रूल ही नहीं है। कभी आपके पास मैथ स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा, कभी आपको बेसिक लेना पड़ेगा, कभी आपको स्कूल बोर्ड देना पड़ेगा, कभी आपको बोर्ड देना पड़ेगा। अरे भाई ये क्या रूल रेगुलेशन है, इतने रूल रेगुलेशन से इंसान पीस जाता है। कभी इनका सिलेबस कम जाता है, कभी इनका सिलेबस बढ़ जाता है, इन्होंने समझ क्या रखा है बच्चों को। तो यही बात यहाँ पर साफ शब्दों में कहा गया है कि आवाज़ यहाँ उठाना बहुत ज़रूरी है। और कहते हैं अर्थव्यवस्था के दोनों अवस्था की बुराई के बचने के लिए मिश्र अर्थव्यवस्था की धारणा सामने आई है। जनरल सी बात है, अगर सरकार इन बातों को प्रायोरिटी नहीं देगी, नहीं समझेगी, तो लोगों को दूसरी जो है अर्थव्यवस्था अपनाने की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल देखिए बिहार साइड चले जाइए, वहाँ पर हर बच्चों के पास डिग्री तो भरी पड़ी रहती है, इवन कि ऑनर्स तो ऐसे करते हैं जैसे ऑनर्स का कोई अर्थ ही नहीं होता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ, सोचिए, विचार कीजिए। अगर यही शहरों में चले जाइएगा तो ऑनर्स लेने के लिए बच्चों को सोचना पड़ता है कि मैं ले पाऊँगा तो कर पाऊँगा कि नहीं। और बिहार क्षेत्र में चले जाइए, वहाँ तो हर एक बच्चा जो है ऑनर्स लेके बैठा पड़ा होता है। बड़ी अजीब बात है, हम भारत देश के नागरिक हैं और भारत में इतने रूल रेगुलेशन के चेंजेस हैं, ये विचारधारा हमें सही नहीं लगा। कहते दोनों अर्थव्यवस्था बुराइयों में बचने के लिए मिश्र अर्थव्यवस्था की धारणा सामने आई है। मिश्र अर्थव्यवस्था आज़ाद अर्थव्यवस्था के जो है तबाव कुल मुकाबले तथा राज्य जो है अर्थव्यवस्था के एक अधिकार के विरुद्ध एक प्रोजेक्ट स्टेट था। जनरल सी बात है, आज जो है कहते हैं हम जो है मिश्र अर्थव्यवस्था का काफ़ी प्रायोरिटी देते हैं और भी प्राइवेट सेक्टरों को। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आज़ाद अर्थव्यवस्था के मुख्य रोल प्राइवेट उद्योग द्वारा जो है अदा किया जाता है। जनरल सी बात है, प्राइवेट सेक्टर ही सारे कार्य करने में अग्रसर है, सरकारी तो सिर्फ आराम के लिए होती है। मैंने आपको बताया ना, जैसे आपका जो है आप ड्यूटी के टाइमिंग होता है, लोग जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा फाइल निकालते हैं, फाइल निकालते ही उनका चाय का टाइम हो जाता है और गपशप लगाते लगाते जो है आधा घंटा निकल जाते हैं। फिर जैसे वो लोग फाइल को खोलते हैं वैसे उनको लंच का टाइम हो जाता है, और जब लंच का टाइम हो जाता है तो उसी के अंतराल में जो है वो उनके बच्चे को लाने का टाइम भी हो जाता है। सरकारी में ये व्यवस्था होती है। और जैसे बच्चों को लेके आ जाते हैं लेट सेट, क्योंकि सारा विभाग तो उन्हीं का होता है, कोई बोलने वाला कहाँ है, कहते अफसर भी बेचारा बैठ के सिर्फ टाइम पास कर रहा होता है वहाँ पे। फिर जैसे उनका फाइल को जैसे वो लोग पूरा ओपन करते हैं वैसे उनका फिर चाय का टाइम हो जाता है, और जैसे एक पेज पे साइन करते हैं वैसे ही उनका जो होता है छुट्टी का टाइम हो जाता है। तो काम किया कहाँ पर उन्होंने, आपको पता है कोई भी कार्य करवाने में आपके चप्पल घिस जाते हैं सरकारी काम करवाने में, और प्राइवेट काम में चंद सेकेंडों में हो जाती है। तो सरकारी विभाग किस लिए, आरामों के लिए? फिर देश कैसे प्रोग्रेस करेगा जब सरकारी विभाग में सब के सब आलस्य की तरफ बैठे रहेंगे और सब जो है घुसखोरी करते रहेंगे, तो कैसे देश बढ़ेगा, कैसे हम उस मुकाम पे पहुंच पाएंगे जो हमने सपना देखा है। तो यही बात यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर और मिस जो है सरकारी सेक्टर में अंतर यहाँ पर दिख रहा है। संपत्ति का प्रयोग प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा अपने प्राइवेट लाभ के लिए किया जाता है, पर दूसरी तरफ समाजवादी और समाजवादी या सरकारी अर्थव्यवस्था में सारे उद्योग पर सरकार या समाज के मालिकों की होती है। जनरल सी बात रहेगा ही रहेगा, सारी संपत्ति की मालिक सरकार होती है तथा यह सारे देश समाज के लिए प्रयोग की गई देशों में आज़ाद एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का
था और रूस, चीन और हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड आदि देशों में सरकारी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। कहते देखिए दोस्तों, सरकारी अर्थव्यवस्था की मैं खिलाफ नहीं हूँ, जर्नल सी बात है, सरकार को रूल रेगुलेशन को यहाँ बनाने की ज़रूरत है और सरकारी मशीनरी को भी सुधारने की ज़रूरत है। कहते सरकारी चीज़ में भी रूल रेगुलेशन होनी चाहिए, वहाँ पर भी सख्ती होनी चाहिए, फिर जो है व्यक्ति काम करने में अग्रसर रहेंगे। और जो है समय अवधि उन्होंने 3-3 महीने 4-4 महीने के देते हैं, उसकी समय अवधि घटनी चाहिए और लोगों को काम देखना चाहिए कि लोगों ने 1 महीने के अंदर कितना काम करके दिखाया है। जितना काम करके वो दिखाया है उसी के अकॉर्डिंग पैसा मिलना चाहिए। ये नया नीति होनी चाहिए कि आपने जितना काम किया, प्राइवेट सेक्टर में यही है, आप जितना काम करके देते हो उसी के रिगार्डिंग आपको पैसा अकाउंट में आता है। तो सरकारी में क्यों नहीं, आपने अगर 50 जो है बर्थ सर्टिफिकेट बनाया तो उसी के रिगार्डिंग आपको पैसा मिलना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्या महत्व होता है काम का। लेकिन सरकार को ये बात कभी सोची ही नहीं आती है। सरकार जी तो सिर्फ इलेक्शन और भारत के नाम चेंज करने में लगे रहती हैं, देश के नाम चेंज करते रहती हैं। अरे भाई, करना है तो इन चीज़ों में सुधार कीजिए ना, जो ज़रूरी है। आप यूँ क्यों कहते हो कि जो है सो है, कहते जो बना हुआ है वो है, आप उनके पीछे क्यों पड़े हुए हो या एक दूसरे पर जो आलोचना क्यों लगा रहे हो? जो जैसा करता है करने दीजिए, ये भारत है, ठीक है, ये भारत है, इंडिया है, यहाँ पर हर एक व्यक्ति को जो है अधिकार है अपना कार्य करने की, लेकिन हिंसा उसमें फैलाने की कोई इजाज़त नहीं दी जाती बात। और हमारा अगला टॉपिक जो काफ़ी महत्वपूर्ण आया है, मिस अर्थव्यवस्था के लाभ, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, मिस अर्थव्यवस्था कुछ लाभ भी है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए और कुछ दोष भी है, तो दोनों को जानना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। कहते हैं मिस अर्थव्यवस्था कुछ लाभ के अंतर्गत देखिए, तो मिस अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद तथा समाजवाद में एक समझौता है तथा दोनों सिस्टम की अच्छी बातों को अपना सकते हैं। पब्लिक सेक्टर के अपने गुण तथा दोष तथा इस पर प्राइवेट सेक्टर भी अपने लाभ तथा कमियों हैं, दोनों सिस्टमों को हानि को दूर करने के लिए मिस अर्थव्यवस्था की धारणा को अपनाना जरूरी है। जनरल सी बात है, आप दोनों सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर या जो है पब्लिक सेक्टर है, दोनों में सुधार की आवश्यकता है और दोनों सेक्टर अगर व्यवस्थाओं को सुधार करती है तो इसे काफ़ी लाभ होगा। कहते हैं मिस अर्थव्यवस्था आसानी के साथ लागू की जा सकती है। मिस अर्थव्यवस्था जो है बहुत ही आसानी से लागू की जा सकती है क्योंकि इसके लागू करने के लिए कोई मुश्किल पेश नहीं आती है और इसकी व्यवहारिकता के कारण इसके अधिक पसंद किया जाता है। कहते हैं मिस अर्थव्यवस्था काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह आपको भी समझ होगा क्योंकि आप पता है कि कृषि मिश्रित होती है तो उसमें हमें कई तरह की फसल प्राप्त हो जाती है। उसी तरह अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था अगर हम अपनाते हैं तो इसमें लाभ ही लाभ है, इसमें नुकसान बहुत ही कम है। कहते हैं मिस अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास तेज़ी के साथ होता है और देश भी जो है काफ़ी प्रगति आसानी से करता है, जो कि प्राइवेट सेक्टर के हाथों में छोड़ दिया जाए तो आर्थिक विकास तेज़ी के साथ नहीं हो सकती है। अगर यही बात हम प्राइवेट सेक्टर को छोड़ दें, देखिए सरकारी मशीनरी की बहुत खामियां हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि सरकारी सिस्टम खराब है, मैं कहता हूं सिर्फ इतना कि रूल रेगुलेशन बदलने की ज़रूरत है, जो लोग कार्यरत हैं उनमें जागरूकता की ज़रूरत है। अगर वो अगर सुचारू रूप से कार्य करें तो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात हो सकती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में दो देश का तेज़ी के साथ जो है आर्थिक विकास हो किया जाता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि देश की जो है आर्थिक विकास बहुत ही तीव्र गति से यहाँ पर होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सामाजिक भलाई को जो है उत्साहित किया जा सकता है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो है सामाजिक भलाई को उत्साहित किया जा सकता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था योजनाबंदी को भी आसानी के साथ स्वीकार योग्य तथा व्यवहार योग्य बनाती है और हम अपने साधनों को मूल्यांकन के द्वारा उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था योजनाबंदी के द्वारा चलाई जाती है। वी विल बी डूइंग जो है द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट पार्ट। इफ यू लाइक इट देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो एज कुछ दखल होगी तब जो है प्राइवेट सेक्टर पे भी जो है नॉट थिंग सब्सक्राइब एंड सेव योर मोबाइल। अधिक उपयुक्त कोई और जो है रूल रेगुलेशन नहीं हो सकती है, चाहे आप साम्यवादी की बात करें चाहे पूंजीवादी की बात करें, ये दोनों ही फेल है। कहते हैं मिस अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मिस अर्थव्यवस्था के लिए रोजगार के अधिक अवसर संभव हो सकते हैं। अगर मिस अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें जो है रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे और ये भारत के लिए बहुत ज़रूरी रहेगा क्योंकि भारत में बेरोजगारी की समस्या इतनी है जितनी किसी भी देश में जो है नहीं कहा जा सकता। हम दुनिया को क्यों देखें, हमें तो अपने आप को देखना है। हम अगर अपने देश को देखेंगे वही हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि अगर अपने देश को हम विकास करते हैं तब दुनिया हमारी उदाहरण लेती है। तो ये ज़रूरी है, हमारे देश में जो जितनी बेरोजगारी है वो शायद कहते हैं हमारे देश के लिए सही नहीं रहेगा।
क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अपने साधनों को बाहर नहीं जा सकता, यानी जो प्राइवेट सेक्टर अपने साधनों से बाहर नहीं जा सकता तथा इसके बीच रोजगार के मौके सीमित ही होती हैं, और पब्लिक सेक्टर का जो है आकार बड़ा होने के कारण इसमें रोजगार का अधिक क्षेत्र मौजूद होते हैं। अगर आप देखोगे तो आज के समय में एक पद पे सरकारी विभाग में एक पद पे जो है व्यक्ति रहते हुए कई लोगों के काम जो है रहता है, यानी एक व्यक्ति है और उसको कई पद मिले हुए हैं। आप देखोगे भी अगर सरकार की बात करें, अगर कोई रेल मंत्री है तो उसके साथ दो तीन और विभाग उनको मिला हुआ होता है, पता नहीं क्यों, कितने तेज हैं, कितने होशियार हैं, इसका शायद मुझे समझ में आज तक नहीं आया। मैंने देखा है अक्सर जो है एक मंत्री कई विभागों को संभाल रहा होता है। अगर आप भारत के जो है मंत्रियों के कार्यभार के अगर लिस्ट देखें तो ये बात आपको साफ हो जाएगा। तो ये सोचिए, विचार कीजिए कि वो लोग कितने इंटेलिजेंट होंगे, कितने समझदार होंगे। हमसे तो एक विभाग नहीं समझ सकता, उनसे जो है पाँच पाँच विभाग समझता है। और इवन कि ये भी बात आपको देखने मिलेगा सरकारी विभाग में कि पद जो है 10-10 साल से खाली होते हैं और उसको भरते नहीं हैं। जब उनके कोई अपने जो है नौकरी चाहिए होता है तो घूस खास दे के जो है अपने ही व्यक्तियों को जो है ले लेते हैं। यही समस्या है भारत के जो है सरकारी विभागों का, ये बहुत बड़ी विडम्बना है। आप चले जाइए, आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, सरकारी क्षेत्र में कहीं भी चले जाइए, जब भी आप जाइएगा, चाहे आप हॉस्पिटल में चले जाइए, चाहे किसी भी सेक्टर में चले जाइए, आपको एक ही बात सुनने को मिलेगा कि अभी सर तो आए ही नहीं हैं, अभी सर लेट आएंगे। अरे भाई सर गए कहाँ, सर अपने प्राइवेट सेक्टर में लगे हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर की उन्नति में लगे हुए हैं। हद है यार, कहते हैं जब सर आप क्यों इतने लालच कर रहे हो, जब आप सरकारी विभाग में हो, कार्यरत हो, आपको अच्छा खासा तनख्वाह सरकार दे रही है, इवन कि घर भी प्रोवाइड्स कर रही है, इवन कि आपको वाहन भी प्रोवाइड्स कर रही है, तो इतनी लालच किस लिए, क्या करोगे। मैं तो कहता हूँ सरकार को ऐसे ऐसे लोगों को पे ना जो कहते हर दिन जो है छापा डालने चाहिए, और आय से अधिक अगर संपत्ति मिलती है तो जब्त कर लीजिए। लेकिन सरकार भी बहुत तेज है, वो कहते हैं ना दूसरे पर करती डालती, कभी कभी इक्का दुक्का पर डालती, सब पे डालिए तब पता लगेगा आपको ज़मीनी हकीकत क्या है। एक आम व्यक्ति क्लर्क उसके पास अरबों रुपया मिलता है, ये कहाँ की विडम्बना है यार, ऐसे कैसे हो सकता है। देखा जाए मिश्र अर्थव्यवस्था के लिए रोजगार का अधिक अवसर संभव हो जाता है ताकि प्राइवेट सेक्टर आगे रहे, और ये जरूरी भी है। मिश्र अर्थव्यवस्था में पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में एक दूसरे के अधिक लाभदायक सिद्ध होने के वाली प्रतियोगिता चलती रहती है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मिश्र अर्थव्यवस्था में पब्लिक तथा प्राइवेट सेक्टरों में एक दूसरे के अधिक लाभदायक सिद्ध होने के लिए प्रतियोगिता चलती रहती है, और इसके साथ जो है अधिक कुशलता पैदा होती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आखिरी पॉइंट की बात करें तो मिश्र अर्थव्यवस्था में सरकार आमदन तथा खर्च में असमानता को कम करने के लिए जरूरी कदम उठा सकती है, और आमदन तथा व्यय में बहुत अधिक जो है असमानता सामाजिक तौर पर अन्यायपूर्ण और राजनीतिक तौर पर जो है अनचाहे आर्थिक जो है तार हानिकारक होते। जनरल सी बात है कि इसमें जो है अन्यायपूर्ण और राजनीतिक तार जो है जुड़े हुए होते हैं, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में असमानताओं को घटाने की हर कोशिश की जा सकती है तथा सामाजिक न्याय, सामाजिक स्थिरता और समाज कल्याण का विकास किया जा सकता है। देखिए हर जगह सिर्फ लोगों के न्याय की बात की जाती है, लेकिन मुझे न्याय तो दूर दूर तक नज़र नहीं आती है। कहते उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और सबके लिए अपने विकास के समान अवसर प्रदान किए जा सकते हैं, और इस तरह मिश्र अर्थव्यवस्था अपना कर हम अपने देश के लिए उद्देश्य के साथ पूरा कर सकते हैं। देखिए हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा भारत देश, हमारा इंडिया जो है विकसित हो और दुनिया में हर जगह जो है इसका नाम हो, और इसके लिए जो है हमारे सरकारी विभाग को और प्राइवेट विभाग को सुधारने की आवश्यकता है, और इसके लिए लाभ तो है ही है मिश्रित अर्थव्यवस्था की। आगे जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोष, तो चलिए देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के क्या क्या दोष हो सकते हैं। तो ये हमारे समक्ष जो आया है मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोष, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने लाभ के बारे में जो है विस्तार पर चर्चा किया, काफ़ी महत्वपूर्ण था। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोषों के बारे में भी जानना हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, इवन कि जो बच्चे MA सोशोलॉजी रखे हैं उनके लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि दोष का भी उनको एनालाइज करना चाहिए, यानी डिमेरिट के बारे में भी उनको पता होना चाहिए। कहते हैं यह बात मानने योग्य है कि अर्थव्यवस्था में सरकार कई बार जरूरी रोल का जो है अतिक्रमण कर जाती है। बात सही है कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार जो है कई बार देखने को मिला है कि जो रोल सरकार को निभाना चाहिए सरकार उससे जो है पीछे हट जाती है, और कहते हैं वो कार्य सुचारू रूप से हो नहीं पाती। तो इसमें सबसे बड़ी दोष के रूप में देखा जा सकता है।
तथा प्राइवेट सेक्टर में कुछ वह जो है सहूलतें प्रदान नहीं करती है जिसके आर्थिक विकास के लिए आवश्यक समझा जाता है। सरकार को पब्लिक और प्राइवेट में एक जरूरी संतुलन जो है संतुलन लगाना चाहिए, पर कई बार यह संतुलन बिगड़ जाती है तथा इस तरह मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ दोष भी पाए जाते हैं। देखिए ये दोष होना स्वाभाविक रहती है क्योंकि डीमेरिट को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन बात है कि अगर लाभ किसी चीज़ की अधिक होती है और उसके नुकसान कम होते हैं तो वो फ़ायदेमंद रहती है। क्योंकि हम जानते हैं अगर एक सिक्का का एक साइड अगर हम बना रहे हैं तो दूसरा साइड ऑटोमेटिक बन जाती है। यानी देखा जाए तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के अगर हम लाभ की बात करते हैं तो उसके साथ दोष जो होती है, डिमेरिट जो होती है, वो अपने आप ही जुड़ जाती है। लेकिन ये तब कदाचित उचित मानी जाती है जब लाभ अधिक हो और दोष कम हो। तो आप स्वयं ही यहाँ पर एनालाइज कीजिए कि हमने लाभ अधिक प्राप्त किया है कि इसकी दोष अधिक है, और तभी आप एनालाइज कर सकोगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था उचित है या अनुचित है। देखा जाए पहले पॉइंट की तरफ अगर हम बात करें तो दोनों सेक्टरों के बीच जो है असहयोग होती है। दोनों सेक्टरों के बीच जो होता है असहयोग की भावना नज़र आती है, ये बहुत बड़ा दोष है। यानी नॉन कोऑपरेशन बिटवीन टू सेक्टर। देखा जाए तो पूंजीवाद तथा साम्यवाद का आर्थिक विकास के प्रति जो है दृष्टिकोण आपस विरोधी है तथा दोनों का इकट्ठे अस्तित्व में रहना बहुत ही मुश्किल है। प्राइवेट सेक्टर का मुख्य उद्देश्य प्राइवेट में लाभ होता है, जबकि पब्लिक सेक्टर का मुख्य उद्देश्य सामाजिक भलाई होता है। यानी देखा जाए सरकार की तरफ से जितनी भी कदम उठाई जाती हैं सारे के सारे जो है जनता के हितों को साथ में रख के उठाए जाते हैं। यानी देखा जाए तो यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और प्राइवेट सेक्टर तो आपको पता ही है कि प्राइवेट सेक्टर में जितना लाभ हो वो उसके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आज के समय में पब्लिक सेक्टर जो है कहते हैं वो स्थान ग्रहण नहीं कर सकती है जो प्राइवेट सेक्टर कर सकती है। मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था कि अगर आप सरकारी स्कूल में जाइए और प्राइवेट स्कूल में जाइए, वहाँ दोनों जगह की बिहेवियर को देख के आप एनालाइज कर सकती हो कि सबसे बेस्ट जो है प्राइवेट सेक्टर रहती है। या आप किसी सरकारी बैंक में चले जाओ या प्राइवेट बैंक में चले जाओ, वहाँ पर एनालाइज करके देखिए, आपको स्वयं ही समझ में आ जाएगा कि सरकारी सेक्टर बेटर है या प्राइवेट सेक्टर है। जनरल सी बात है दोस्तों, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कोई काम करवाना होता है सरकारी में तो हमारी चप्पलें घिस जाती हैं, और वही हमें प्राइवेट में जो है चंद सेकंडों में हो जाती है। अब बेशकली प्राइवेट सेक्टर का लाभ कमाना होता है, बेशकली एक दो रुपया एक्स्ट्रा लेते हैं वो, लेकिन समय पे काम रह जाता है। लेकिन सरकारी अगर काम सिर्फ सरकारी में ही होती है तब आपके लिए सर दर्द बढ़ जाता है। कभी आप पहचान पत्र बनाने जाइए, कभी आप कुछ बनाने जाइए, कभी कुछ डॉक्यूमेंट बनाने जाइए, वो भी सरकारी, तो जर्नल सी बात है सबसे पहले तो वहाँ पर आपको एक दलाल मिलेगा जो ये कहेगा कि आपका काम जो है हम कुछ ही दिनों में, दो ही दिन में, एक दिन में करवा देंगे, और जो काम कुछ समय में हो जाना चाहिए इसके लिए आपको जो है महीनों इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन वही अगर आप दलाल को कुछ रिश्वत दे देते हो या वहाँ पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति है और उसको दे देते हो पैसे, तो जर्नल सी बात है वो एक दो दिन में काम हो जाता है। तो आप समझ सकते हो कि सरकारी सेक्टर की कितनी जो है यहाँ पर खामियाँ आ नज़र आ जाती है, और ये बहुत सच्चाई है। वहाँ पर जो दलाल भी बैठे होते हैं वो बड़े बड़े अफसरों से मिले हुए होते हैं और उन दोनों की कमीशन होता है। वो कहते हैं आप लोगों को फंसाइए, फिर काम तो देखिए काम कौन करता है, अफसर ही करता है, लेकिन अफसर जो है सीधे तौर पे पैसा नहीं लेता है, उसके लिए वो दलालों को बाहर खड़ा कर रखा होता है, और ये सब सरकारी विभाग में देखने को मिलता है। अगर आपको ये बात गलत लगता है आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, आप वहाँ पर परेशान नहीं हुए तो देखिए, क्या मुझे बताइए कि आप सरकारी सेक्टर में गए और बहुत ही आसानी से आपका काम हो गया, फिर मैं जानूंगा कि भारत जो है बदल गया है। लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलेगा दोस्तों, ये सच्चाई है। मैं खुद ही इन चीज़ों से जो है दो चार हाथ कर चुका हूँ, इसलिए मुझे ये अनुभव है, मैंने भी देखा है। इवन कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शहरों में ही यही प्रॉब्लम है, गाँव में भी यही प्रॉब्लम है, हर क्षेत्र में है। मैं भी जब गाँव गया था तो वहाँ पर जो है मुझे जाति प्रमाण पत्र बनाना था,
बनने में एक महीना लगना था, लेकिन जैसे एक व्यक्ति से मुलाकात हुई उसने मुंह बहुत बड़ा खोला और मुझे उस समय अर्जेंट थी तो मैं क्या करता। कहते हैं अगर मैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया फिर भी वो ना माने। लेकिन कुछ समय के बाद मुझे एक व्यक्ति मिला, पता नहीं किसने भेजा, कौन व्यक्ति था। डायरेक्ट उन्होंने जो है 2000 रुपये की मांग की और कहता है कि हम 2 दिन में ही आपको बनवा के दे देते हैं। अब मजबूरी में लोग क्या करें, मजबूरी में लोग क्या करें। अब साइन भी उसी व्यक्ति का है, स्टम्प भी उसी व्यक्ति का है। जब मैं रिक्वेस्ट करने गया तो वहाँ पर डायरेक्ट हाथ खड़ा कर दिया कि भाई ये सरकारी प्रोसीजर है, आपको जो है महीने भर इंतज़ार करना पड़ेगा उस डॉक्यूमेंट के लिए। लेकिन जैसे मैंने 2000 उस व्यक्ति को पकड़ाया, मुझे अगले दिन 2 दिन के बाद जो है मेरे हाथों में वो जो है सारे डॉक्यूमेंट बन के मिल गए। अब सोचिए, विचार कीजिए कि हमारे देश में क्या सिस्टम चल रही है। अगर ऐसा सिस्टम रहा तो क्या भारत तरक्की कर पाएगा, क्या भारत विकसित हो पाएगा, क्या भारत में इस तरह से करप्शन रहेगी तो क्या दुनिया चल पाएगा, भारत हमारा क्या आगे बढ़ेगा। सभ्यता कभी नहीं बढ़ पाएगा। और यही बात यहाँ पर जो है मिस अर्थव्यवस्था की बात आती है। मिस अर्थव्यवस्था का अंतर ये होता है कि हम प्राइवेट और जो है गवर्नमेंट सेक्टर को दोनों को मिला दें, ठीक है। इसका ये अर्थ होता है अगर मान लीजिए सरकार तनख्वाह दे रही है आधा आधा प्राइवेट दे रही है, तो प्राइवेट वाले तो भाई काम निकलवाते हैं, जर्नल सी बात है, और सरकारी वाले पैसे देने पर लगे रहते हैं। तो इन दोनों का अगर तालमेल बन जाता है तो लोगों की आधी से अधिक जो है मुसीबत दूर हो जाती है। आज देखा जाए भारत में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है करप्शन की। आज कहीं भी चले जाइए, बहुत से मंत्री लोग बेशकली कहते हैं आप वीडियो बनाइए हम उस पर एक्शन लेंगे, लेकिन भाई हम आम व्यक्ति को थोड़ी वीडियो बनाएंगे, बनाइए अब गवर्नमेंट वाले व्यक्तियों की। करप्शन कौन ले रहा है, आम व्यक्ति नहीं ले रहा है, आम व्यक्ति तो 2 वक्त की रोटी में लगा रहता है। करप्शन लेता है वो अमीर व्यक्ति जो सरकारी विभाग में है, कोई अफसर है वो करप्शन लेता है। आप किसी भी अफसर का एनालाइज कर लीजिए, कहते कुछ ही दिनों में उनके लाखों करोड़ों का जो है संपत्ति आ जाती है, और ये संपत्ति सिर्फ वो अपने नाम से नहीं लेते हैं, अपने नौकर के नाम से लेंगे, अपने कुत्तों के नाम से लेंगे, अपने कहते हैं अपने पड़ोसियों के नाम से लेंगे, अपने पता नहीं किस किस से नाम से लेंगे, कि उनका जब एनालाइज किया जाए तो उनका दूर दूर तक नाम ना आए। अब देखिए जानवरों के नाम से भी वो जो है प्रॉपर्टी लेते हैं, ये कहाँ की नाइंसाफी है, कहाँ की बात है। और भारत कहते हैं हम गरीब देश हैं। मेरा विचार अगर करप्शन भारत से हट जाए तो जर्नल सी बात है भारत में गरीबी कभी भी जो है सर नहीं उठा सकती, अगर सब चीज़ सुचारू रूप से हो तो। लेकिन सुचारू रूप से होगा कहाँ, हर कदम पे तो आप लोगों को लालच की पिटारा दी जाती है, आप हमें जिताइए, आपको हम पानी फ्री करेंगे, बिजली फ्री करेंगे, आपको हम रोजगारी भत्ता देंगे, आपको हम लेबर कार्ड बनाएंगे, आपको बीमारी के लिए पैसे देंगे। अरे भाई कितनी लालच दे रहे हो, जर्नल सी बात है अगर इन विभागों में अगर आप थोड़ी सच्चाई ले आओ ना और थोड़ा अच्छाई ले आओ। कहते हैं अगर आप डॉक्टरी फील्ड में ही अगर हॉस्पिटलों में अगर थोड़ा ईमानदारी बरताया जाए और ये लोग जो है अपनी क्लिनिक के जगह पर सरकारी में अच्छे से वर्क करें तो हमें प्राइवेट में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, और इतना पैसा भी नहीं लगता अगर बीमारी समय रहते अगर पता लग जाए तो। कहते हैं हमारे देश में सबसे भी विडम्बना ये है कि हमें समय रहते बीमारी का पता नहीं लगता। कारण क्या है, टेस्ट इतने महंगे महंगे होते हैं, और जब डॉक्टरों से एनालाइज करोगे, क्योंकि मैंने भी इस फील्ड में जाके देखा है, यहाँ पर सभी डॉक्टरों के अच्छे खासे कमीशन होते हैं, अच्छे खासे कमीशन होते हैं। समझ सकती हो कि जो आपका 200 में काम होगा वो आपको जो है 1000 रुपया में होगा, जो टेस्ट 200 रुपया निर्धारित की गई है वो 1000 का होगा, और इवन की बहुत से संस्थाएं हैं वो भी ऐसे ही लूट रहे हैं लोगों से। दोस्तों यही बात यहाँ सच्चाई है। कहते हैं सरकारी सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को दोनों को मिल के काम करने की आवश्यकता है, दोनों को ज़रूरत है कि इसमें पारदर्शिता बरती जाए। करप्शन तभी दूर होगा जब ये सरकारी विभागों को सरकार जो है अच्छी खासी अपने जो है हाथों में रखी। लेकिन सरकार क्या करेगी, सरकार को तो आए दिन इलेक्शन नज़र आती कि भाई यहाँ पर इलेक्शन है वहाँ पर है, हम कैसे अपनी पार्टी को गठबंधन तैयार करें, कैसे हम पार्टी बनाएं, कैसे क्या करें। आम जनता तो नज़र आती नहीं है, आम जनता तो बेचारे कहते हैं किसी की कंप्लेंट पुलिस के पास भी लेके जाते तो भाई पुलिस वाले भी कहते हैं भाई डोकरा दो तो हम केस दर्ज करेंगे, ठीक है। और जब देखता है कि मजबूत पार्टी दूसरा वाला बंदा है वो 10,000 रुपया उसको जो जेब में खिला देता है तो वो बंदा कहता है नहीं नहीं आपकी गलती है सारी, वो बंदा तो सही कह रहा है, सही है, हो गया।
आपने नमक दरोगा भी देखा होगा, सुना ही होगा स्टोरी प्रेम मुंशी प्रेमचंद जी का, कि बेचारा दरोगा जो है ईमानदारी सच पर रखता है लेकिन अदालत उसको ऐसे ही छोड़ देती है। अब सोचिए, कहते हैं मुंशी प्रेमचंद ने भी इसी बात के ऊपर उजागर करने की कोशिश किया कि हमारे देश में जो है बहुत क्षेत्र जो है भ्रष्ट है और आज बड़े बड़े लोगों को ही चलती है, आम लोग तो सिर्फ पीस जाते हैं। बेसिकली वहाँ पर लास्ट में जो है उसको इनाम मिला, जिस व्यक्ति के रिगार्डिंग केस चली थी जिसको अदालत ने छोड़ दिया था बाद में, वो व्यक्ति ने सोचा कि ऐसा ईमानदार व्यक्ति मिलना संभव नहीं है, उसको जॉब मिल गई। लेकिन प्रेमचंद जी ने जो बात कहना चाही वो साफ शब्दों में वहाँ कह सके। अगला हमारा है पब्लिक सेक्टर की अकुशलता। पब्लिक, जैसे मैं अभी बात भी इसी बात पर कर रहे थे कि पब्लिक सेक्टर जो है अकुशल है, यानी इनसेफिशिएंसी ऑफ द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में सबसे बड़े और अधिकारियों को बंधा हुआ वेतन मिलता है। आपको पता है पब्लिक सेक्टर में जो है सबसे छोटा बड़े अधिकारियों को बंधा हुआ वेतन मिलता है, यानी जो उनको एक बार निर्धारित की जाती है वही वेतन उनको मिलता रहता है। इससे क्या होता है, इससे यही होता है कि आप काम करो चाहे ना करो, आपको जो बंधा हुआ वेतन है वो आपको समय रहते मिल जाएगी। ये पब्लिक सेक्टर का गुण होता है। वर्षा हो या अंधेरी, उनके वेतन मिल ही जाता है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात बताया गया है कि वर्षा हो या अंधेरा हो उनका वेतन तो मिल जाएगा। कोरोना वायरस में आपको पता है आम व्यक्ति त्राही त्राही रो रहा था, आंसुए निकल रहे थे, लेकिन जो सरकारी बंदे थे वो आराम से घर में नींद के नींद सो रहे थे। कारण क्या था, वो चाहे बैठे हों चाहे सोए हों, और सही भी था, ऑफिस में जाकर कौन सा वो काम करते थे, अच्छा मिल गया उनको, ऊपर वाले ने भी अच्छा उनको मौका दे दिया, घर में जाके आराम से बैठे रहे, महीना के अंतिम दिन में तनख्वाह तो आना स्वाभाविक था। कहते उत्पादन कम होने से इन कर्मचारियों अधिकारियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचती है, जर्नल सी बात है, वर्षा हो या अंधेरा उनको वेतन ही मिल ही जाती है, चाहे उत्पादन कम हो चाहे अधिक हो, उन अधिकारियों कोई नुकसान नहीं पहुँचता है, उनके वेतन मिल ही जाता है, समय रहते उनका वेतन मिल ही जाता है। लेकिन प्रश्न तो तब उठता है जब आम गरीब व्यक्ति को एक रुपये के लिए जो है सोचना पड़ता है। कहते हैं कड़ी मेहनत करने के बाद भी बड़े बड़े साहूकार पूंजीपति जो है एक रुपया देना पसंद नहीं करते हैं। कहते हैं उत्पादन बढ़े जाने से कोई लाभ नहीं मिल होती है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में उत्पादन कम होने से मालिक को नुकसान होता है। देखिए बहुत बड़ी बात है, वो अकुशल कर्मचारी को हटा भी देता है, लेकिन हम सरकारी में नहीं कर सकते, सरकारी में तो रूल है एक बार सरकारी जॉब मिल जाए चाहे आप काम करो चाहे ना करो, अगर अधिकारी को गुस्सा आया तो आपको यहाँ से वहाँ तबादला कर सकता है और कुछ नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। कहते उत्पादन बढ़ाने से जब मालिक को लाभ होता है तब वो कुशल कर्मचारी उन्नति भी कर देता है, जनरल सी बात है, ये प्राइवेट सेक्टर की बात है। और इसके विपरीत पब्लिक सेक्टर में उन्नति देते समय योग्यता की जगह कर्मचारी को उन्नति कर देता है, जनरल सी बात है, आप अपनी योग्यता बढ़ाते रहिए आपको उन्नति मिलता रहे, चाहे आप काम करने में सक्षम हो चाहे नहीं हो। मैंने तो इवन देखा है कि बड़े बड़े जो होते हैं उम्र के व्यक्ति जो होते हैं पेपर दे रहे होते हैं, अपनी डिग्रियाँ बढ़ा रहे होते हैं, कारण क्या है, उससे उनको उन्नति मिलने वाली है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जाइए तो वहाँ पर क्या होता है, लोग अपनी कार्य कुशलता में कुशलता लाते हैं, कार्य करने में कुशलता लाते हैं, लेकिन सरकारी सेक्टर में जो व्यक्ति होते हैं अपनी योग्यता बढ़ा रहे होते हैं, यानी पढ़ाई कर रहे होते हैं बेचारे कि भाई अगर मैं ये कक्षा पास हो जाऊंगा आगे पढ़ लूंगा तो जनरल सी बात है मुझे तरक्की मिल जाएगी, उनके गुणों से नहीं होती है, उनको डिग्रियों से होती है। तभी तो आप लोग देखते ही हो कि अमीर लोग जो होते हैं जितना मर्जी जो भी मर्जी हो जाए वो अपनी बच्चों को जो है हायर एजुकेशन तक पहुँचाने की कोशिश करती है, और वही लगते जनरल सी बात जो है बड़े बड़े अफसर बन के बैठे पड़े रहते हैं। उम्मीद यही होगा, आपको पता ही होगा कि आप आधार कार्ड या कुछ भी बनवाने चले जाओ आपको 100,000 गलतियां तो उसमें दिख ही जाती है। मुझे तो सबसे बड़ी ये बात होता है जब हम फॉर्म भर के उनको दे रहे होते हैं, क्या फॉर्म में लिखा हुआ शब्द उनको समझ नहीं आती है जो इतनी गलतियां करते हैं, सोचिए विचार कीजिए बहुत बड़ी बात है। इसके विपरीत पब्लिक सेक्टर में उन्नति देते समय योग्यता की जगह नीति को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है, और उन्नति सिर्फ सीनियर कर्मचारी को दी जाती है चाहे वह जितना ही अकुशल या जो है कमज़ोर क्यों ना हो। ये भी बहुत बड़ी बात है कि उन्नति किसको दी जाती है, जो सीनियर सिटीज़न है, चाहे वह कुशल हो या अकुशल हो या कामचोर क्यों ना हो, जूनियर कर्मचारी कितना भी कुशल या उत्साहित या योग्य हो, नंबर आने पर भी उन्नति उसको नहीं दी जाती है, और इस प्रकार उसका उत्साह भी ख़त्म हो जाता है, जनरल सी बात है उत्साह भी उसका ख़त्म हो जाता है। यही होता है, बड़े बड़े लोग अफसर बनते हैं वो कहते हैं कि हम अच्छा से अच्छा करेंगे,
लेकिन उसको उन्नति के नाम पर कुछ नहीं मिलता, तो बाद में देखते ही हो IPS IAS अफसर भी बेचारे सब थप बढ़ जाती है। मैंने देखा है, अगर आप फिल्मों में देखो, जैसे कोई IPS बनता है, जैसे कोई जो है मुख्यमंत्री बनता है, आप नायक फिल्म देखी ही होगे, इवन कि आपने देखा होगा कोई कहते हैं काउंसलर भी बनता है, तो बड़ा ही एक्शन करके दिखाता है और ऐसा काम करके दिखाता है कि फिर राज्य को हर्ष गर्व होती है। लेकिन क्या ये फिल्म में ही होता है? वास्तविक जीवन में क्या इसका कहीं भी अर्थ नहीं है? होना चाहिए ना। फिल्म भी हमारी क्या करते हैं, यही बुराइयों को दिखा रहे होते हैं कि हमारा कितना बुरी सिस्टम है। और ये फिल्में जो दिखाई जाती हैं वो बहुत ही लोग ध्यान से देखते हैं और आपको पता है वो करोड़ों रुपया कमाते हैं, लेकिन लोगों के पास ज्ञान नाम की चीज़ तो आती नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। कुशल के साथ काम न करने पर पब्लिक सेक्टर कर्मचारी को जल्दी जल्दी सजा नहीं दी जा सकती। जरा सी बात है, कुशलता के साथ काम न करने पर पब्लिक सेक्टरों के कर्मचारियों को जल्दी से जल्दी सजा नहीं दी जा सकती, जनरल सी बात है। और इस तरह पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी उत्साह के साथ काम नहीं करते हैं, कोई भी काम जो है उत्साह के साथ नहीं करते। जैसे मैंने पहले ही बता चुका हूँ, काम के लिए बैठते हैं, लंच टाइम चाय टाइम होती है, लंच टाइम होती है, बच्चे के लाने का टाइम होता है, फिर चाय टाइम होती है, छुट्टी का टाइम होता है, इसे उनका समय निकल जाता है। अक्सर देखा गया कि पब्लिक सेक्टर के उद्योग हमेशा हानि में ही चलते हैं, तो चलेंगे ही। देखा जाए तो सरकारी जितने भी फैक्ट्रियाँ सब होती है, सब के सब हानि में ही चलती हैं, और यहाँ तक कि अपना खर्च भी आप नहीं चला सकती। इस तरह सारा सरकारी धन खत्म हो रहा होता है, तो ये बात सच्चाई है। आप रास्तों की ही बात कर लीजिए, अगर रोड बनाया जाए, अच्छे से बनाया जाए, तो एक रोड की कम से कम जो है 5 साल की जो है लाइफ होती है। लेकिन बड़ी अफसोस तो तब होती है कि कहते हैं 1 महीना पहले बना हुआ रोड, दूसरा महीना आते आते बड़े बड़े गड्ढे हो जाएं और उसका सामान जो है किनारे में नजर आए, तो सोचिए कितनी जो है यहाँ पर ईमानदारी बढ़ती गई हो। बहुत बड़ी बात है ना। कोई पुल जो है 5 साल से बना दिया गया है, लेकिन रास्ता आज तक नहीं बना पाई, तो कारण क्या है? यही है सभी के कारण कि ये लोग जो होते हैं सिर्फ सरकारी कामों में अलस्य बचत बनाते हैं। और आपने कई फिल्मों में देखा ही होगा कि वो लोग पहले उनका फिट होता है, सभी चीज़ों का कमीशन फिट होता है। अगर सरकार के तरफ से 5 लाख रुपया मिला है रोड बनाने के लिए, तो 1 लाख तो अफसर को मिलता है, 2 लाख रुपया अफसर को मिलता है, ठीक है, 1 लाख छोटे मोटे कर्मचारियों को मिलता है, 2 लाख जो होता है उस किसको मिलता है, ठेकेदार को मिलता है। और 2 लाख में से ठेकेदार जो है सिर्फ 1 लाख का काम कराता है और 1 लाख जेब में रखता है, तो हो गया करप्शन, तो कहाँ से सरकारी सेक्टर आगे बढ़ेगा। तो ये जो है सबसे बड़ी जो है यहाँ पर अब गुण है ये, ठीक है। उसके बाद आता है भ्रष्टाचार। जैसे आपको पता ही है भ्रष्टाचार तो मैं हमेशा ही बात करता हूँ, भ्रष्टाचार जो है पब्लिक सेक्टर में कई उद्योग में भ्रष्टाचार भी चलता है, और उन उद्योगों की कोई भी सामान्य खरीद के असल मूल्य के ज़्यादा बिल बनवा लिया जाता है। ये तो आम बात है, हर जगह ऐसा होता है। मैंने भी कई जगहों पर देखा है कि लोगों को अपने काम से जाना होता है और वो लोग सरकारी बिल पास करवा लेते हैं कि हम तो सरकार के काम से जा रहे हैं, और होता ऐसा ही है। सरकारी विभाग में आप चले जाइए, बड़े बड़े अफसर भी करते हैं, उनको दिल्ली के शहर करना होता है, वो सरकारी काम से कहते हैं भाई सरकारी काम से हम जा रहे हैं, पूरा एरोप्लेन का जो टिकट विकट सब सरकारी बन के आ जाती है। तो हो गया ना करप्शन की सबसे बड़ी जो है यहाँ पर, और सारे के सारे बिल मनमाना बनवाते हैं, जितना मर्जी जो दिल चाहता है वो डलवा देते हैं, और अच्छा खासा जो है वो पैसा इसी से ही बना लेते हैं। ये सबसे बड़ी जो है हमारे देश में भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी बुराई है। ज़्यादा धन जो है अधिकतर कर्मचारी जेब में चला जाता है। जर्नल सी में जैसे मैं बताता ही हूँ कि सब के सब धन जो है अधिकारियों के जेब में चला जाता है, और कई बार उत्पादन या अन्य सामान भी अधिकारी अपने घर में ले जाते हैं, तथा इस तरह जो है भ्रष्टाचार के कारण पब्लिक सेक्टर उद्योग लाभ नहीं कमा सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट था। आगे देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर कम महत्व, काफ़ी महत्वपूर्ण है देखा जाए तो। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, सारे महत्वपूर्ण उद्योग जो है पब्लिक सेक्टर के आगे जाते हैं और प्राइवेट सेक्टर में लगाए जाते हैं, तथा प्राइवेट सेक्टर में कम महत्व के उद्योग लगाए जाते हैं। इस तरह पब्लिक सेक्टर के कम महत्व दिया जाता है। आगे जो हमारे समक्ष आया है निष्कर्ष, देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण तथा दोष पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास के लिए लाभदायक है, तथा यह पिछड़े हुए देशों के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण जो है सहायक सिद्ध हो सकता है। जरूरत दोनों सेक्टरों में आर्थिक शक्ति की जो है उचित
विभाजन है और कुछ दोषों के बावजूद भी भारत में अर्थव्यवस्था काफ़ी सफलता के साथ चल रही है और दोनों सेक्टर जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में मूल्यवान योगदान दे रहे हैं तथा ये योगदान के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी सफलता से चल रही है। सच्चाई यह है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर अर्थव्यवस्था की दो जरूरी कड़ियाँ हैं तथा दोनों ही मजबूत किए जाने चाहिए तथा ठीक तरह से काम करते होने चाहिए। दोनों में पूरा सहयोग होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और यह भी याद रखना चाहिए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसी स्थिति और फ्रेमवर्क में काम नहीं कर सकता है और यह परिवर्तनशील धारणाएं हैं तथा दोनों सेक्टरों में उचित संबंध होने चाहिए तथा यह संबंध विकास करते रहना चाहिए कि दोनों में जो है तालमेल होना बहुत ही ज़रूरी है। और यह भी देखना चाहिए कि दोनों सेक्टर विरोधी उद्देश्य के अधीन काम न करें, यानी दोनों जो है एक दूसरे सहयोग की तरह करें न कि विरोधी की तरह। और दोनों सेक्टरों को जो है समूचे रूप से अर्थव्यवस्था के हित में काम करना चाहिए तथा यह स्वार्थी हितों के लिए नहीं, स्वार्थ हित के लिए अगर काम किया जाता है न तो देश तरक्की करेगा न उनकी तरक्की होगी। पब्लिक सेक्टर का प्रबंधन सुधारा जाना चाहिए ताकि वह कुशलता के साथ चल सके तथा घाटे में न चले। ये जरूरी है कि पब्लिक सेक्टरों को जो है सही रूप रंग देने की आवश्यकता है, तभी भारत भी विकास कर सकता है और ये बहुत ज़रूरी है। इसमें भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाना चाहिए। सबसे बड़ा जो कलंक है हमारे देश के लिए वो है भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए हमें पब्लिक सेक्टर में जो है कुछ सुधार की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण लागू किया जाना चाहिए ताकि वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के उद्देश्य को हानि न पहुंचा सके, और भ्रष्ट अधिकारियों को दंड देकर लोक भलाई के नियम और कानून के उल्लंघन रोकी जानी चाहिए। कहते हैं मेरा तो यही रूल रेगुलेशन है कि जो भ्रष्ट लोग हैं उनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए और भारत से जो है भ्रष्ट लोगों को हटाना चाहिए, तभी जो है भारत जो है एक अच्छा देश बन सकता है, एक विकसित देश बन सकता है और इसका जो है हर जगह जो है डंका बज सकती है। और यह ध्यान देना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर जो है फैक्ट्री एक्ट एवं दूसरे मजदूर भलाई नियमों को ईमानदारी से लागू करें। हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कोई भी नियम रेगुलेशन जो होती है ईमानदारी से लागू नहीं की जाती है, इसमें भी जो है बेईमानी की जाती है। परंतु यह भी ख्याल रखना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर गैर जरूरी बंधन न लगाया जाए, कि प्राइवेट सेक्टर है तो फालतू के जो होते हैं बंधन वो नहीं लगाया जाना चाहिए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये सब बातें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दोस्तों हमने पूंजीपति हो, समाजवाद हो, या हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सारी बातों को जो है विस्तार पूर्वक चर्चा किया, और ये चैप्टर एमए के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी ज़रूरी भी है, तो इसको अच्छे से समझना है। मेरा तो विचार है अगर आप दो बार वीडियो समझ लेते हो, देख लेते हो, तो आपको माइंड में पूरा क्लैरिटी आ जाती है। रीजन्स क्या है, ये हमारे समाज की समस्या है जो आपको समझते हो, और मैं तो कहता हूँ कि समस्या आप लोग आगे चल के शायद सुधार सकते हो, यही आशा सदैव तिरपान सिटी सेंटर रखता है। और यही मेरे लिए गुरुदक्षिणा भी होगा कि आप जो अच्छे नागरिक बनो, देश की भलाई करो और देश की प्रगति में अपना विशेष योगदान दो। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक थी जो हमारा यहाँ समाप्त हो जाता है। अगले वीडियो के लिए आप प्रतीक्षा कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब पहली बार वीडियो देख रहे थे, पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, तो जनरल सी बात है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसमें बोलने की वाली बात ही नहीं है। अगर सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है अगला वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकेगा।